दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर पर हूं और ये मेरठ सिटी में शताब्दी नगर लोकेशन है। ये आप पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे पिलर तैयार हो चुके हैं और लगातार काम चल रहा है। शताब्दी नगर में लगभग 28 हेक्टेयर में एक कास्टिंग यार्ड भी इन्होंने यहाँ पर बनाया है, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, पिलर्स जो हैं उनके केज तैयार किए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो कुछ भी बाहर से ला कर के फिट करना है ट्रैक पर, वो सारा मटेरियल वहाँ पर तैयार हो रहा है और वहाँ से तैयार करके, चूँकि ये हर समय इस हाईवे पर, मेरठ दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ मटेरियल डाल करके कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए 28 हेक्टेयर एरिया मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी से शताब्दी नगर में इन्होंने लिया है। ये अंडरग्राउंड टनल जो शुरू होगी वो मेट्रो प्लाजा के पास से शुरू होगी, जिसको फुटबॉल चौक या HRS चौक भी कहते हैं, और यहाँ से बेगमपुर तक ये ट्रेन अंडरग्राउंड जाएगी। इस अंडरग्राउंड टनल के लिए ये जिस तरह से सड़क निकलती है उस तरह से जिग-जैग नहीं जाएगी, क्योंकि रैपिड ट्रेन सीधे चलती है तो सीधे टनल बनाई जाएगी, जिसके ऊपर बहुत सारे घर, मकान और दुकान इस समय बने हुए हैं। क्योंकि रैपिड ट्रेन के लिए लगभग ज़मीन के अंदर 15 मीटर गहरे टनल बनाई जाएगी, लगभग 15 मीटर गहरे चलेगी ज़मीन में वो, तो इसलिए बहुत सारे मकान प्रभावित नहीं होंगे इससे। और इस पूरे इलाके का एक सर्वे किया जाएगा, सर्वे करके पूरी स्टडी रिपोर्ट तैयार करके टेक्निकली, उसके बाद यहाँ पर टनल का काम शुरू होगा। तो ये स्थिति है इस समय। दिल्ली में इस कॉरिडोर का लगभग 14 किलोमीटर का हिस्सा है और 68 किलोमीटर ये कॉरिडोर यूपी में पड़ेगा, और टोटल जो है दिल्ली में 3.8 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड चलेगी। तो ये स्थिति है। दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच इस पूरे ट्रैक पर लगभग 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इस तरह से ये फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके लिए जो फंडिंग है वो मल्टीलेटरल फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक से ली गई है। भारत सरकार भी इसमें योगदान दे रही है, यूपी सरकार भी इसमें पैसा दे रही है। दिल्ली से गाज़ियाबाद के बीच इस कॉरिडोर की जो आधारशिला है वो 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी, और RRTS के जो पूरे रोलिंग स्टॉक हैं उनका कंस्ट्रक्शन गुजरात के सावली में चल रहा है। लगभग सभी 40 ट्रेन सेट जो है उनका निर्माण, जिसमें कुल 210 कोच तैयार किए जाएंगे, मेक इन इंडिया विजन के तहत किया जाएगा इनका कंस्ट्रक्शन। और 2022 के शुरुआत में ही रोलिंग स्टॉक के पहले प्रोटोटाइप को जो है रोल आउट किया जाएगा, व्यापक परीक्षण के बाद इसको ट्रैक पर लाया जाएगा। जो रैपिड ट्रेन के स्टेशन हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। सराय काले खां से ये शुरू होगी, ये एलिवेटेड स्टेशन होगा। इसके बाद न्यू अशोक नगर में भी एलिवेटेड स्टेशन होगा रैपिड ट्रेन का। दिल्ली में आनंद विहार में अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, पहला अंडरग्राउंड स्टेशन होगा ये दिल्ली की तरफ से जब चलेंगे। साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और गुलदर के साथ दुहाई में भी एलिवेटेड स्टेशंस होंगे। दुहाई डिपो तैयार होगा दुहाई में, और डिपो स्टेशन होगा वहाँ पर। मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, ये सब स्टेशन एलिवेटेड होंगे, और पहला अंडरग्राउंड स्टेशन मेरठ सेंट्रल के नाम से होगा HRS चौक पर। इसके बाद बेगमपुर, MES कॉलोनी तक ये अंडरग्राउंड जाएगी। MES कॉलोनी में फिर ये एलिवेटेड ट्रैक पर चढ़ जाएगी, वहाँ एलिवेटेड स्टेशन होगा। और डोरली में एलिवेटेड स्टेशन होगा, मेरठ नॉर्थ में एलिवेटेड स्टेशन होगा, मोदीपुरम में एलिवेटेड स्टेशन होगा, और मोदीपुरम में एक डिपो भी बनेगा। इस तरह से कुल 24 स्टेशन होंगे, लेकिन इनमें से मेरठ शहर के अंदर केवल 4 स्टेशन ही ऐसे होंगे जिन पर रैपिड ट्रेन रुकेगी, इसके अलावा बाकी स्टेशन मेट्रो ट्रेन के लिए होंगे। मेरठ साउथ, मेरठ सेंट्रल और बेगमपुर पर एक स्टेशन, और इसके अलावा एक स्टेशन मोदीपुरम में, ये 4 स्टेशन रैपिड ट्रेन के होंगे, और इन चारों स्टेशन पर रैपिड ट्रेन रुकेगी। बाकी 13 स्टेशन जो हैं वो मेट्रो के लिए डिजाइन किए जाएंगे। जो अंडरग्राउंड टनल का काम शुरू होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मार्च से अंडरग्राउंड टनल का काम शुरू हो जाएगा, जो HRS चौक से शुरू होगी। और इनका ये भी दावा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन के भीतर 15 मीटर नीचे रैपिड ट्रेन चलेगी। बेगमपुर पर जाकर लगभग ये 20 मीटर नीचे चली जाएगी,
तो बहुत प्रभावित नहीं होंगे कंस्ट्रक्शंस, फिर भी आइडेंटिफाई किया जाएगा टेक्निकली कि कहाँ कहाँ क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं और उसके हिसाब से ये डिसीजंस लेंगे। ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिज़ाइन की जाएगी और बहुत ही आधुनिक कोच होंगे इसके, सारी फैसिलिटीज इसके कोचेज़ में अवेलेबल होगी। तो ये सिचुएशन है दोस्तों दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन की। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।